लो भाई वार्निंग आ गई है, हाई टेम्परेचर चेंजिंग टू नॉर्मल इन 3 सेकंड। भाई अपनी टियागो क्या लग रही है खतरनाक। ब्रूनो, अरे सो गया तू तो, उठते ही सो गया है, अभी तो सुबह हुई है भाई साहब, सुबह सुबह ही सोने की आदत लग गई है। तो भाई एक नंबर का आलसी। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है भैया, 2 जून 2022। मैं हूँ अभी गुड़गांव में, और हर ब्लॉग में मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछो कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट ब्लॉग में उनमें से एक या दो क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो जो लास्ट ब्लॉग में मेन क्वेश्चन आया आपकी टियागो कहाँ, तो टियागो भाई डिटेलिंग बुल पे है, वहाँ पे पीपीएफ होने के लिए दे रखी है। प्रोसेस 2-3 दिन का ही था, हो चुकी है कब की, बट पिछले 6-7 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का, इसलिए 10 दिन से वहीं खड़ी हुई है। बट आज लेकर आनी पड़ेगी भाई, क्योंकि थार बहुत पेट्रोल चूसती है, तो इसलिए सीएनजी में ही हम थोड़ा सा गुजारा करेंगे आसपास का। तो पहला काम तो आज का वो है कि अपनी टियागो उठाएंगे, और दूसरा भाई अपना ओला स्कूटर भी आज लेकर जाएंगे, उस पर भी पीपीएफ होनी है। तो ये दोनों वीडियोस आपको अपने गैराज वाले चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि ओला स्कूटर ले जाना है तो भैया मोटो व्लॉग करते हुए जाएंगे। शायद से ओला स्कूटर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो तो हाथों हाथ ले ही आएंगे हम करवा के, क्योंकि 2-3 घंटे का ही प्रोसेस है। वरना एक बार मैं छोड़ आया तो फिर मुझे पता उसके बाद भाई मैं लेकर नहीं आने वाला, 8-10 दिन टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए आज पूरा दिन निकाल के ये काम करवा के सब कुछ ले ही आएंगे। और इसका भाई साहब अभी तक कुछ अता पता नहीं है कब हमें मिलने वाली है X7, बताओ कर ही नहीं रहे है कुछ भी कॉन्टेक्ट। 10 अप्रैल को मैंने बुक करवाई थी, 10 जून आने वाला है, तो 2 महीने हो जाएंगे ऑलमोस्ट। क्या मतलब आप कुछ सजेशन दो यार, क्या करूँ इस केस में। मैं तो उनको जब भी फोन करता हूँ सीधा वो तो छूटते ही बोलते हैं कि सर चिप की शॉर्टेज है, गाड़ी मिल ही नहीं रही, हम डीलर्स को भी पीछे से नहीं आ रही, तो देंगे कैसे। बस यही कर रखा है उन्होंने अब लिखित में, क्योंकि उन्होंने जुलाई अगस्त दिया है, अब उससे पहले मैं भी ज़्यादा कुछ प्रेशराइज कर नहीं सकता, क्योंकि लिख के ही अब जुलाई अगस्त है, और उन्होंने बोला था 10 जून से पहले दे देंगे, आई नहीं, अब क्या करे। पार्थ बेचारा खुद वेट में लगा हुआ है कब मेरी BMW आएगी, कब हम फिर डिलीवरी लेने जाएंगे, कब हम उसमें हिमाचल घूमने जाएंगे, है ना, चलेगा ना तू भी फिर ला, फिर टकल होगी डन। ये माइक तो रेडी है, बट इसका वो कहाँ है भाई, मेन रिसीवर वो जरूरी है। और यार ये एंडेवर की चाबी, ओ शिट अभी तक यहाँ पे पड़ी है, देखना एंडेवर हमने डीलर को वापस तो कर दी है, बट चाबी ये देख लो भाई यहाँ पे, इसका मतलब ये तो नहीं कि एंडेवर हमारे पास ही है। मजाक कर रहा हूँ भाई, हमारे पास नहीं, एंडेवर दे चुके हैं, ये चाबी मैंने वापस करना भूल गया हूँ, तो अभी करनी है ये, देखते हैं फरीदाबाद का चक्कर लगेगा तो जाके दे आऊंगा। माइक ये पड़ा हुआ, यस मिल गया। टाटा वालों ने ना कुछ एक्सेसरीज दी थी 16,000 रुपए की, क्योंकि सब्सिडी मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पैसों की जगह सामान दे देते थे, जैसे गाड़ी का एक सीट कवर मिल, सीट कवर कह रहा हूँ, गाड़ी का पूरा कवर मिल गया था, ये सीट्स के कवर है जो लगवाने हैं। तो आज आई थी अपनी टियागो, मैं सोच रहा हूँ मैट और सीट कवर ये सब चीज़ें ना इंस्टॉल करवा ही लूंगा, वरना ऐसे ही इतने टाइम से डिले हो रहा है। फरवरी में ली थी गाड़ी, बताओ फरवरी नहीं कब, मार्च में ली थी शायद से, है ना, और जब से अब जून हो आ गया 3-4 महीने से बिना उसके ही चला रहे हम गाड़ी को, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है भाई, ये सब लगवा लेंगे। चलो जी निकलते, और आज ना इस पर हम 2 लोग बैठ के जाएंगे, थोड़ा वो भी रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि भाई सिंगल तो हमने इसको बिठा के चला के देखा है, मस्त चलता है तीनों मोड्स में, बट पीछे जब एक और एक्स्ट्रा वजन ऐड हो जाता है ना, जैसे अपने भाई बैठे हैं पीछे जो शूट करवाएंगे वहाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट होते ही स्कूटर दबना चाहिए था, बट भाई दब रहा नहीं है, आराम से खींच रहा है, धूप इतने कड़ाके की है, चटके पड़ रहे हैं हाथों में, इधर से ले लूँ। हाँ मैं कह रहा था मजा ना मुझे हाइपर मोड पे ही आता है चलाने का, क्योंकि फुल पावर मिलती है ना तब, और 2 लोगों में भी पूरा खींच रहा है भाई, एकदम से रेस दो 60-70 तो यूं ही पहुंच जाता है आराम से, और 100+ भी चला जाता है, मैंने चलाया हुआ भाई 105 तक, अभी मैं इसे प्रॉपर हाईवे पे नहीं लेकर गया, जब वहां ले जाऊंगा ना तो देखेंगे इसकी टॉप स्पीड निकल के कितनी आती है, बट हाइपर मोड पे अभी ये 60 की रेंज दिखा रहा है। कोई नहीं, हमें तो गुड़गांव में 10-20 किलोमीटर ही चलानी है आज, तो मस्त खींचूंगा इसे। 2-व्हीलर का मुझे ये फायदा रखता है, जितना मर्जी ट्रैफिक लगाओ आप आराम से कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन गाड़ी में फंस जाओगे आप ट्रैफिक में खतरनाक। लो भाई वार्निंग आ गई है, हाई टेम्परेचर चेंजिंग टू नॉर्मल इन 3 सेकंड्स, मतलब हाइपर मोड से ये स्विच कर देगा खुद को नॉर्मल मोड पे, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया। ओ भाई आग की तरह तप रहा है तो स्क्रीन में, ओए होए भाई फट ना जाए, डर लग रहा है सच्ची में, डर लग रहा है टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा। मैं तो रिकमेंड करूँगा दिन में इसको ज़्यादा ना ही निकालो तो बेटर है, क्योंकि ऐसी धूप और गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाएगी इसकी, और आज तो वो 45-46 डिग्री भी नहीं है भाई, 40 के आसपास ही है, फिर भी ये हालत हो रही है, कसम खा रहा हूँ भाई डर लग रहा है अभी मेरे को, ये फटवट ना जाए, इसकी बैटरी में आग ना लग जाए, क्योंकि बहुत हीट हो रहा है ये आग। ओ भाई हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, नॉर्मल मोड में तो पावर ही नहीं है कुछ, देखना
पूरी रेस दे दी लेकिन भाग के ही नहीं दे रही। चढ़ जाएगी फिर भी देखो 60-70 की स्पीड में, बट वो पिकअप नहीं है एकदम से नॉर्मल मोड में। सही बात है यार, इतना टेम्परेचर है, हमारे इंसानों के शरीर तप जाते हैं बुरी तरह से, तो ये तो फिर भी मशीन है, गर्म होएगी होएगी, क्या इसमें सोचना इतना। बट वो है कि हाँ, जो पेट्रोल वाली है उसमें थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि इतनी जल्दी हीट नहीं होती है, बैटरी नहीं है उसके अंदर ऐसी जो फट सके गर्म होके, क्योंकि पेट्रोल से इंजन चल रहा है, वो बना ही है इंजन हाई टेम्परेचर्स के लिए शायद। ट्राई करते हैं हाइपर मोड पे जाएगा या नहीं। नहीं जा रहा, देखा लिखा रहा है हाई टेम्परेचर कैन नॉट स्विच मोड, सो माई गॉड। तो ये भी एक डाउन साइड आज मैंने आपको बता दी कि हाई टेम्परेचर में सिर्फ आप इसको नॉर्मल मोड पे ही चला पाओगे भाई। लो जी फाइनली बिना स्कूटर को फोड़े हम पहुंच चुके हैं डिटेलिंग बुल। तो आग नहीं लगी भैया, सही लग रही है गाड़ी तो। डिटेलिंग बुल पहुंच चुका हूँ भाई, अपनी टियागो क्या लग रही है खतरनाक भाई साहब। आप लुक मतलब, चलो मैं ये ब्लॉग कब डलेगा, कल या परसों डलेगा ना, मैं तभी डाल दूंगा टियागो वाली भी, ताकि आप अनमोल के राज पे देख सको। यहाँ पे अभी दिखा दिया तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और भाई जो उम्मीद नहीं थी ना, उससे 100 या 1000 गुना ज्यादा बेटर लग रही है। रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगी अब इस गाड़ी की, मजेदार। अब लेके ओला स्कूटर छोड़ना पड़ेगा आज के लिए, क्योंकि आज थोड़ा काम ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए हो नहीं पाएगा। देखते हैं बाकी क्या रहता है उसका। बट चलो बाहर से ना सही, आपको अंदर से तो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो रंग लगा था वो भी हट गया, पूरी जो हरी वरी चटनी के दाग लगे हुए तो वो भी सब हट गए। अंदर से ही ब्रांड न्यू बन गई है अपनी, और हमने शूट भी कंप्लीट कर लिया है। ओला स्कूटर को छोड़ दिया यहीं पे, हम ले जाएंगे उसको शाम तक। भैया कह रहे 5-6 बजे काम शुरू करेंगे, तो देखते कितने बजे तक हो जाएगा, उस हिसाब से आना पड़ेगा मतलब वापिस एक बार। ठीक है जी, अभी निकलते हैं घर के लिए, मम्मी पापा को दिखाता हूँ उन्हें कैसी लग रही है। लो जी घर पहुंच गए हैं, पापा भी यहीं खड़े हैं, पापा से पूछते हैं कैसी लग रही है। निकल जाएगी, चलो 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 चलो। गाड़ी अब थोड़ा अपना घर भरा भरा लगेगा, 10 दिन से ये भी गई हुई थी और बड़ी गाड़ी भी नहीं थी ना कोई। कैसी लग रही है अभी? नई लग रही है, नई से भी ज्यादा बढ़िया लग रही है। कलर ही चेंज हो गया ना पूरा ऐसे मैट में करवाने के बाद। आप तो कह रहे अनमोल के राज पे ही देखना क्या? बिल्कुल ऐसा लग रही थी अभी नई लाए। हाँ वही, अंदर से ही पूरी मस्त हो गई। चलो जी चलो पहले कुछ खा रहे जाए, क्योंकि कितने बज गए, 4 बज गए सुबह से, बस फ्रूट्स खाए हुए मैंने और कुछ नहीं खाया। बहुत तेज भूख लग रही है सही में। रोटी रोटी जल्दी, बहुत तेज भूख लग रही है। खरबूजा बड़ा, कड़ी चावल, तुम तो दाल चावल कह रहे थे। बोतल भरवा लिए ठंडे पानी की, और अभी अभी आया था वापस, और अभी फिर से निकलना पड़ रहा है खाना खाते ही, क्योंकि 2 लोगों को गाड़ी के रिव्यू के लिए बुलाया गया है, वही लेजर वाली ग्राउंड, तो वहां पहुंचना है अभी। आए जैसी वैसी निकलना, देख रहे हो मतलब फुर्सत का तो टाइम ही नहीं है। मन तो इतना था मेरा कि जब डिटेलिंग उल से आया आराम से सोऊं, गेम खेलूं 1-1.5 घंटा, फिर याद आया सर 4:30 बजे तो लोगों को बुलाया हुआ 2 गाड़ी के उसके लिए। वही 6-6:30 बज जाएंगे करते करते शूट, 6:30 होने के बाद फिर वो ईयरफोन्स वालों का शूट करना है, तो पूरा दिन आज भसड़ मचने वाली है। शूट शूट शूट। अच्छा आज के ब्लॉग में ना एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, काफी लोग पूछ रहे थे, जैसे हम जिनको भी बुलाते हैं गाड़ी के रिव्यू के लिए, हम उनको देते क्या है, मतलब कुछ पैसे देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम देते नहीं है, लोग अपनी मर्जी से आते, लोगों ने अपनी मर्जी से वो फॉर्म फिल करा है, हमने उनको सिर्फ कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर उनको करवाना होता है तो वो आ जाते हैं, नहीं करवाना होता तो नहीं आते हैं। मेन होता है कि उनका अगर कोई यूट्यूब चैनल है या वो है, तो वो हम प्रमोट कर देते हैं एक तरह से उस वीडियो में, कार की जो भी उनकी रिव्यू होगी ना, तो उनके चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है उस चीज़ में। बाकी कई ऐसे भी लोग हैं भाई जिनके चैनल नहीं है, लेकिन स्टिल वो आते हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत टाइम से हमें देखते हैं, तो हमसे मिलने आ जाते हैं, साथ ही साथ अपनी गाड़ी ले आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई पैसे के लिए आ रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास भी भाई कंटेंट की कमी तो नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे पास कम से कम 3,000-3,500 एंट्रीज आई हुई है गाड़ी की, तो हम पैसे दे के किसी को क्यों बुलाएंगे, है ना। तो लोग अपनी श्रद्धा से ही आते हैं भाई, और बस ठीक है, जो क्या बोलूँ अब मैं। लो जी भाई से मिल गए हैं, क्या नाम है भाई पूरा? उजित दुआ। हाँ तो भाई लाए अपनी टोयोटा ग्लेंजा, इसका रिव्यू करेंगे। और क्या बता रहे हो आप व्लॉग का, घर पे? व्लॉग के घर में ऐसा होता है कि पापा आते हैं ऑफिस से, हाँ, मुझे अच्छा। और फिर मतलब ऐसा होता है कि अगर व्लॉग आए तो कोई नहीं देखता 3 बजे तक, 3 से 4 सारे इकट्ठे बैठ के देखते हैं टीवी पे। सही है भाई, पूरी फैमिली देखे उसमें ज्यादा बेटर होता है ना। तो 2020 का वेरिएंट है ना आपका, 20 का पेट्रोल, हाँ, मेलो ट्रांसमिशन। तो एक गाड़ी हमने और बुलाई है इको स्पोर्ट, तो वो वाले भाई भी आ जाएंगे, फिर दोनों को साथ लेके चलते हैं और फिर शूट करेंगे। अभी यहीं पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई अपने ब्लॉग्स प्रॉपर फॉलो करते हैं, इन्हें पता है डाइटिंग चल रही है, तो लेकर भी पेपर बोर्ड का कोकोनट वाटर ही आया कि हाँ डाइटिंग में जो ले सके। सही है भाई, वैसे तो खाना खा के आया हूँ बट ये गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो अभी पीने में फायदा है थोड़ा सा। लो जी दूसरी गाड़ी भी आ गई है इको स्पोर्ट अपनी, दोनों को ग्राउंड पे ले जाते हैं और फटाफट शूट करते हैं। आज तो थोड़ी गर्मी भी कम लग रही है ना, धूप कम हो गई है, वरना दोपहर को बहुत तगड़ी धूप थी। गाड़ी कैसी लग रही है वैसे मेरी मैट में? गाड़ी मैट में बहुत बढ़िया लग रही है, मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था मेरे को ग्लॉस कराओगे, बट मैट देख के तो एकदम लोग अलग ही आ रहा है ना। मस्त आ रही है, सबका यही रिएक्शन है भाई।
भाई शूट हो गया है, गन्ने का जूस बड़ी मिनतों से ढूंढ ढूंढ के मिला, ये भैया ही मना कर रहे थे, कह रहे नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा बड़े वाला गिलास चाहिए, तो फिर उन्होंने दे दिया फाइनली। अब मिल गया, प्याज बुझाते हैं थोड़ी सी। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं कभी जल्दी। मजा आ गया आज, रिव्यू भी अच्छा हुआ। कल पापा मम्मी भैया के व्लॉग्स देखने वाले, व्लॉग में देखने वाले हैं कि मिले या वैसे नहीं पता उन्होंने। चलो सीधा सरप्राइज मिलेगा कल तो व्लॉग में। ठीक है जी, ओके बाय बाय। घर चलते हैं भाई, एक और शूट है। अब घर जाते ही फटाफट से सुबह से शूट पे शूट चल रहे हैं। गले की फिर से बैंड बजने वाली है मुझे लग रहा है आज रात को। स्टेपसिल से वो खा के सोना पड़ेगा, पर कोई नहीं भैया, यही उम्र है ना काम वाम करने की, पैसा कमाने की। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। तो इसे सुबह मैंने वादा किया था कि शाम को टियागो में घुमा के लाऊंगा। चले फिर, चलो चलो जी। ब्रूनो को लेकर जाना हमने। ना ना ना, ये बताओ टियागो कैसी लग रही है, देखी तुमने? ना। देखी नहीं, आओ फिर दिखाओ जल्दी। देखो देखो पहले अच्छे से देखो क्या चेंज लग रहा है। कलर अच्छा लग रहा है ना, चेंज हो गया ना, ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया हो, पर मस्त लग रही है ना मैट में। आप लोग मिस मत करना, 2 बजे वीडियो आ जाएगी, मतलब 9 बजे ये ब्लॉग आया इसी दिन, सेम डे 2 बजे आज पे वीडियो आएगी। देख लेना टियागो की, वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में सबको दिखाया, बहुत तगड़ी लग रही है भाई। चल भाई पार्थ बैठ फटाफट से, जल्दी बैठ, जल्दी 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 ले आइयो बर्फी। ठीक है जी, मैं तो खा नहीं सकता, मेरा तो डाइट प्लान चल रहा है, तो पार्थ को एक चक्कर कटवाएंगे और मम्मी के लिए कुल्फी ले आएंगे। कुल्फी या फलूदा, तू बता भाई, फलूदा या कुल्फी? तुम्हारा कुल्फी या फलूदा, जल्दी बोल दो फटाफट से, टाइम पास ना करो, जल्दी बोलो, बहुत लेट हो रहे हैं। शुगर फ्री कुल्फी। चलो जी पापा और मम्मी की शुगर फ्री कुल्फी। चले फिर जल्दी जल्दी, इतने दिन बाद न्यू कॉलोनी आना हुआ है, क्योंकि जब से डाइट पे गया हूँ ना मैंने आना ही छोड़ दिया था यहाँ पे, ना घर वालों के साथ आता था, बट अभी पार्थ ने ले ली है यहाँ पे सॉफ्टी, मजेदार है। हाय हाय, और घर वालों के लिए पैक करवा ली है कुल्फी भी फलूदा भी, और मैंने कुछ नहीं लिया। अब देखते हैं मेरे लायक कुछ रस्ते में मिल जाएगा तो खा लेंगे, वरना तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब इसकी माता श्री का भी आ गया था डिमांड की हमारे लिए भी फलूदा ले आना, तो उसके घर भी जाना है उसको देने के लिए, और फिर निकलूंगा अपने घर। चले जी चले फटाफट, सीट बेल्ट लगा। फिर सोच क्या रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ पार्थ, तेरे को घर ही छोड़ दूं वहीं से, और क्या, अब तो तेरा ट्यूशन खुल गया है, खुल गया बेटे, झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया तू, अब तू घर ही रहेगा ठीक है आज से, डन है। हाँ जी पैसे दो आइसक्रीम के, तेरे को इसको ले जा भाई, बहुत परेशान करते हैं वहाँ पे। चल चल खड़ा हो, ले जाना इसे, चलो खड़े हो। शकल देख, शकल देख बंदर की। अभी आधे घंटे तक बताऊंगा, जा रहा हूँ फिलहाल, तो टाइम हो गया, बहुत काम करना है। चलो जी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।